मैंने नोटिस किया उबेर अभी अच्छा पैसा देता है, ओला से भी अच्छा पैसा देता है। ठीक है, ये कौन सी गली भाई, पहली टाइम जा रहा हूँ इसके अंदर। अरे बाप रे, मतलब लगभग 420 रुपए के लगभग 430 रुपए के लगभग ओला ने कमीशन लिया है। तो हे गाइस, गुड आफ्टरनून, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। मेरा नाम है सचिन और आप सभी का गाइस फिर से मेरे एक नए ब्लॉग में स्वागत है। तो आज थोड़ा स्मार्ट दिख रहा हूँ भाई, थोड़ा काम था इसके लिए भाई सुबह से निकला, बट ब्लॉग को शूट करने का गाइस टाइम ही नहीं मिला है। तो अब भी जस्ट देख सकते हो आप यहाँ पे मैं गाइस हूँ पवई के इधर, मतलब सुबह से काम ही था मेरा, गाड़ी का, पेपर का, वो सब चीज का। तो भाई जो अपने वैसे भी दूसरी कार आने वाली रेंट की, उसके चक्कर में गए सुबह निकल गया था, ब्लॉक को शूट ही नहीं कर पाया। और आप घड़ी में देख सकते हो गए 2:31 हो रहे हैं, बट भाई काम के साथ में भाई मैंने दो बुकिंग भी मैंने कंप्लीट किया, एक प्राइम का और एक मिनी का, दोनों ओला के कंप्लीट किए जहाँ पे मुझे आना था। तो लकीली मुझे मिलते गया बुकिंग और भाई मैं लेते गया बुकिंग, तो दो ट्रिप कंप्लीट किया, लगभग 900 रुपये के लगभग अर्निंग मेरा हो गया। और यहाँ पे अभी जस्ट फ्री हुआ तो मैं बोला चलो यार ब्लॉग को स्टार्ट कर दे, क्योंकि भाई सुबह से ब्लॉग को स्टार्ट ही नहीं किया, इतना फटाफट निकल गया सुबह की पूछ मत। तो भाई सब शेविंग विंग भी करना था, सब चीज़ करना था, मैं बोला चलो निकल जाते फटाफट, ब्लॉग को बाद में शूट करते। ठीक है गाइस, तो आज के दिन का भाई अर्निंग हो गया सुबह 9 निकल के, 900 रुपये का दो ट्रिप मैंने कम्प्लीट किया। अभी यहाँ पे खाना पीना खा के बस अभी जस्ट फ्री हुआ, बोला चलो ब्लॉग को स्टार्ट करते हैं भाई। तो कल का दिन काफ़ी आराम के साथ में अच्छा खासा अर्निंग भी हो गया था, बट आज थोड़ा भाई मेहनत करना पड़ेगा क्योंकि ऑलरेडी 2:30 तो बज ही गए, रात को 10-11 बजे तक काम करना है। ठीक है, तो देखते भाई कल का अर्निंग अच्छा हो गया, आराम भी मिला, आज मेहनत करना है और अर्निंग करना है। तो देखते बने रहना ब्लॉग में आप लोग भी, और कमेंट करके बताना बिजनेस मिनी और प्राइम का कैसा चल रहा है। फिलहाल एसयूवी का तो बहुत डाउन चल रहा है, इसलिए मैंने कल बताया ना जितना रेंट मिला उतना अच्छा भाई अर्निंग हो जाते। तो देखो आज का दिन का शुरुआत मैं कर रहा हूँ भाई ऐसे पवई के, यहाँ से पवई से अपना भाई LBS रोड है, LBS से अपना दोपहर के 2:31 हो रहे हैं अभी, यहाँ से अपना ब्लॉग को स्टार्ट कर रहे हैं। तो चैनल पे बने रहना, वीडियो को एंड तक देखना, चैनल पे ना चैनल को सब्सक्राइब भी करना, लाइक भी करना और शेयर भी करना। चलो करते हैं आज के दिन की शुरुआत। गाइज आज का उबेर का एक्सेल का बुकिंग हमने कंप्लीट किया है, पहला ट्रिप भाई। देखो यहाँ पे आया हूँ मैं बैंड्रा ईस्ट में, EPVR के यहाँ पे को भाई टर्न ले लेता हूँ, बुकिंग भी कोई नहीं आ रहा भाई सब, चलो आगे जाके देखते हैं। तो गैज अपना, तो गैज आज का अपना पहला ट्रिप उबेर का कंप्लीट हुआ है, और हालांकि उबेर अच्छा पैसा दे रहा है। ठीक है, दो तीन ट्रिप में मैंने देखा ये चीज़ नोटिस किया, उबेर अच्छा पैसा देते हैं। और ये जो एक्सेल का बुकिंग था ये मैं विक्रोल के यहाँ पे था, वहाँ पे बुकिंग नहीं लग रहा था, तो धीरे धीरे करके आगे जा रहा था LBS के इधर। तो भांडुप के यहाँ पे पहुंचे जैसे मुझे 3-3.5 किलोमीटर निर्मल नगर के यहाँ से मुझे ये बुकिंग मिला भांडुप अमुलुंड से। तो ये पैसेंजर को पिकअप किया और भाई साहब यहाँ पे बैंड्रा में ड्रॉप किया, 21 किलोमीटर था और टाइम जो मुझे लगा 38 मिनट मुझे लगा, और 38 मिनट का गाइज मुझे जो अर्निंग मिला है भाई साहब 618 रुपया। तो एक्सेल कभी कभी उबेर में अच्छा पैसा देता है, और हालांकि दो तीन बार मैंने नोटिस किया उबेर अभी अच्छा पैसा देता है, ओला से भी अच्छा पैसा देता है। ठीक है, तो अभी यहाँ पे जरा रुकते भाई, CNG को वेस्ट नहीं करना इसके लिए यहाँ पे रुकते हैं। ओला का 2 ट्रिप कम्प्लीट किया है, उबेर का 1 ही ट्रिप पहला वाला कम्प्लीट किया है, टोटल 3 ट्रिप कंप्लीट होगा भाई। बैंड्रा में आया हूँ, अभी बुकिंग लगेगा ऐसे क्योंकि शाम का टाइम है, तो एक्सेल का ही बुकिंग उठाएंगे भाई, मिनी और प्राइम का बुकिंग नहीं उठाएगा, क्योंकि सुबह से मैंने प्राइम का एक ओला से उठाया था और एक मिनी उठाया था, तो दोनों मिला के लगभग 800-900 रुपये का अर्निंग होता, और एक ही ट्रिप में 600 रुपये का अर्निंग हो गया, बहुत फर्क पड़ता है एक्सेल और प्राइम में। ठीक है, तो यहाँ पे वेट करते देखते भाई कौन सा बुकिंग मिलता है। तो गाइस बैंड्रा से हमको बुकिंग मिल गया है कल्याण का भाई, वो भी ओला के अंदर। आज जितने भी बुकिंग मिल गया भाई मुझे, लकीली एक भी बुकिंग मुझे ऑनलाइन मतलब नहीं मिला, डिजिटल पेमेंट नहीं मिला, सब बुकिंग जितने भी मिले मुझे सब कैश पेमेंट ही मिले। अभी यहाँ से भी मुझे ओला से ही मिला है SUV का बुकिंग, कल्याण खड़कपाड़ा के आकर किधर का तो मिला है, और अभी हम जा रहे हैं भाई सब, आज जितने भी पेमेंट आएंगे सब कैश आएंगे,
और बाद में मुझे नहीं लगता वापस इसके बाद अभी मुझे नहीं लगता कि वो कैश पेमेंट देगा ओला भाई, ऑनलाइन ही देगा, देखते हैं अभी। यहाँ से 3 मिनट दिखा रहा है भाई, सर्विस रोड से चल रहा है हमको। काफी दिनों के बाद आज एसयूवी का बुकिंग कंटिन्यू मिल रहा है भाई, और आज शायद थर्सडे है, हाँ थर्सडे आज इसके लिए शायद बुकिंग मिल रहा है, क्योंकि मैडम जी यहाँ पे है भाई। वेस्टर्न में अच्छा हो कोई बुकिंग, मतलब अभी शाम के टाइम पे तो यहाँ पे भाई अभी गर्दी का तो पहाड़ लगेगा अभी ट्रैफिक का, तो उससे अच्छा भाई यहाँ से निकल चलो, क्योंकि आज तो कुछ इतना कुछ आराम मिला नहीं भाई, सुबह से ही घूम रहा हूँ काम के चक्कर में, बिजनेस भी इतना कुछ खास हुआ नहीं। अगर अभी ये बुकिंग का मुझे लगता है अच्छा खासा पैसा मिल जाएगा, लगभग 50-55 किलोमीटर तो है बांद्रा से कल्याण, 55 हाँ 50 के ऊपर ही है, 50-52 किलोमीटर थे, तो 20 रुपये के हिसाब से भी अगर पकड़े तो भी कम से कम 1100 का तो बिल बनेगा भाई साहब। ठीक है तो भाई चलो चलते हैं, यहाँ पे ही दिखा रहा है पिकअप, यहाँ पे कहाँ पे भाई पिकअप दिखा रहा है ये भाई साहब। अभी एसयूवी जो कार करते भाई उनका लगेज होता है, ये कहाँ पे है बता रहा है हमको लेफ्ट, ये कौन सी गली है भाई, पहली टाइम जा रहा हूँ इसके अंदर, अरे बाप रे अच्छी गली, चलो तो यही सामने की बिल्डिंग से बता रहा गाइस पिकअप करते पिकअप, और देखते कल्याण का एसयूवी का कितना पैसा हमें मिलता है। भाई शाम को पिकअप लिया था भाई साहब ओला का कल्याण चेंज पाड़ा का, और ये देखो अभी रात हो गया लगभग 9:08 हो रहे गाइस, यहाँ पे जस्ट अभी पैसेंजर को ड्रॉप किया हो, कौन से जंगल में लेके आए पैसेंजर भी भाई पता नहीं यार, 9:08 में ये पहले बाहर निकलते, वो भी इतना खराब है गाइस, रोड भी इतना खराब है भाई, ये तो पूरा शाम को निकला था वहाँ से बांद्रा से मुझे बुकिंग मिला था, मुझे लगा शायद पैसा भी अच्छा मिल जाएगा करके, कुछ तो 53 किलोमीटर था, और भाई साहब यहाँ पे आते हैं तो मुझे 3 घंटे लग गए, पूरा पवई जाम बांद्रा जाम वेस्टर्न, तो पूरा वहीं से आते थे मुझे ट्रैफिक लगे भाई साहब, और यहाँ पे कल्याण जाम, कल्याण में जाम, नासिक बाईपास रोड जाम, तो भाई वहाँ से यहाँ पे आते थे लगभग 3 घंटे लग गए, और 3 घंटे का मुझे ओला की तरफ से मिला, मुझे लगा शायद अच्छा पैसा मिल जाएगा, बट भाई ओला की तरफ से मुझे जो पैसा मिला भाई साहब क्या ही बोले, 1100 रुपये मुझे मिला, जो कस्टमर कैश कलेक्टर था वो था 1520, मतलब लगभग 420 रुपये के लगभग, 430 रुपये के लगभग ओला ने कमीशन लिया, सोचो मतलब कितना कमीशन हो गया, बाप रे बाप, मतलब जो ओला ने चार्ज किया है जो कमीशन मुझे लगभग 40% कमीशन, मतलब 40% कमीशन इस ट्रिप में चार्ज किया, मतलब कितना हद से ज़्यादा, 400 रुपया कमीशन भाई साहब देखो, ठीक है मतलब 40% खाली कमीशन ओला ने इस बुकिंग में खाली चार्ज किया भाई,
और हमको दिया 1100 रुपये, मतलब इतना मेहनत, इतना सीएनजी, इतना 3 घंटा ट्रैफिक में मगज मारी, और भाई कमीशन कितना लिया ओला ने, 40%, 400 रुपये कमीशन लिया भाई साहब। तो अभी यहाँ से पहले बाहर निकलते, रोड काफ़ी ख़राब है, पहले यहाँ से बाहर निकलते फिर बात करते। गाइस ओला उबेर को रात को ही पता नहीं क्या हो जाते, मतलब 9:30-10 बज गए ना भाई साहब, बुकिंग आना ही बंद हो जाते हैं, मतलब 2-3 दिन से ही नोट कर रहा हूँ। तो अभी आज तो ठीक था, मतलब आज तो अच्छा खासा बुकिंग बज रहा था, और मेरा जैसे कुछ इतना कुछ खास अर्निंग हुआ नहीं, क्योंकि मैं मेरे वो गाड़ी की पेपर के चक्कर में पड़ा था, तो आज कुछ इतना अर्निंग मेरा खास तो हुआ नहीं है। ओला के अंदर मेरा सुबह जो मैंने अर्निंग किया था वो 900 रुपये का, उसके बाद में उबेर का मैंने एक ट्रिप किया था लगभग 650 मिला था, तो आई थिंक 1500 रुपये का 1500 तब हुआ था, और उसके बाद में गए ये वाला जो मैंने ट्रिप एंड किया जिसका मुझे 1100 मिला, मतलब लगभग टोटल आज के दिन का जो अर्निंग है वो 2600 रुपये का अर्निंग हो गया भाई। 3 घंटे तो मुझे सिर्फ कल्याण आने में लग गए, और सुबह से मेरा टाइम काफ़ी ख़राब हो गया था। ठीक है, कोई बात नहीं, अच्छे काम के लिए मैं घूम रहा था। तो अभी यहाँ से गए 11:15 बजे, यहाँ पे काफ़ी देर वेट किया, मैंने भी चालू करके रख दिया, मैंने बोला भाई चलो गो होम डाल देते, महीने का मिल गया तो मिल गया, घर पे जाते जाते बुकिंग ले लेंगे, बट भाई महीने का भी बुकिंग बज नहीं रहे। ये वाला कल्याण रोड से, सो जो हाजी मलंग रोड से, यहाँ से बुकिंग आ नहीं रहे, तो भाई मेरे को भी भाई घर पे जाना था, तो मैं बोला चलो अभी ऐप को बंद कर देते। ठीक है, वो उल्टा सुल्टा बुकिंग आता है गई, तो उल्टा सुल्टा बुकिंग हम लोग अगर पास करते या पास नहीं उठाते तो भाई अपना जो रेटिंग होता है काफ़ी कम हो जाता है, वो एक्सेप्टेड जो रेट है वो काफ़ी कम हो जाता है। और अभी तो ऐसा सीन हो गया भाई, कितने लोगों की आइडिया ओला उबेर बंद कर रहे, तो भाई उससे अच्छा बंद ही कर दो, ज़्यादा दूर तो कहीं जाना है नहीं, अगर नहीं मिलेगा तो होकर अपना आई डी को दिक्कत हो जाएगा, इसके लिए ऐप को दोनों ऐप को मैंने बंद कर दिया। अभी निकल रहा हूँ यहीं से मैं घर पर, और कल क्योंकि भाई सुबह जल्दी उठना है। एक भाई ने कमेंट किया था कि सचिन भाई आप इतने रात को लेट जाने के बावजूद भी आप सुबह जल्दी कैसे उठते, भाई तो मुझे आदत नहीं थी, बट अभी पिछले 8-10 दिनों से ये आदत मैंने लगा के रख दी है। रात भर मतलब अपने दिमाग में बोलते ना, कभी कभी आप एक दिन नोटिस करो, अगर जिस दिन आपको सुबह उठना होगा जल्दी से सुबह 4 बजे, तो आपके रात भर वो दिमाग में वो यही रहेगा कि भाई मुझे सुबह 4 बजे उठना है, क्योंकि हम उस प्रेशर डालते हैं दिमाग में कि भाई किसी भी हालत में हमें उठना है, जैसे कि कहीं गाँव जाना है, कहीं पे किसी की शादी हो, या उस दिन हम लोग कभी लेट नहीं करते। ठीक है, और नॉर्मल डे जो काम के लिए होते हैं ना भाई, उस दिन लेट होते हैं, मतलब हम लोग इतना अपने दिमाग को प्रेशर नहीं करते कि भाई मुझे सुबह 8 बजे ही लॉग इन करना है, 9 बजे ही लॉग इन करना है, तो जो जितना प्रेशर अपने दिमाग को देगा कि भाई मुझे सुबह उठना ही है करके, तो बेचारा वो बंदा भाई उठ ही जाता है। तो जैसे कि मैंने सोच ही लिया कि भाई मुझे ज़्यादा से ज़्यादा 5:30 से 6 बजे तक तो उठना ही है, और नींद की बात करूँ तो नींद अभी 11:45-12 बजे तक घर में पहुँच जाऊँगा, ऑलमोस्ट खाना पीना खा के ताबड़तोब सो जाता हूँ, और मेरे को जब भी दोपहर में अभी समय मिलता है ना तब मैं वहाँ पे नींद पूरी कर लेता हूँ। कल आपने देखा होगा रेंटल बुकिंग था, तो कल तो भाई अच्छा खासा नींद मेरा पूरा हो गया था। ठीक है, ना मोबाइल को यूज़ करता हूँ, ना ही कोई ये देखता हूँ, भाई टाइम जिससे मिला जो ज़रूरत की चीज़ें उसको काम करता हूँ, और भाई बाद में अपने नींद को पूरा कर लेता हूँ। तो भाई ऐसे ही कहीं ना कहीं टाइम एडजस्ट करना पड़ेगा। ठीक है, तो अभी यहाँ से निकलते हैं घर पे, अर्निंग 2600 रुपये का अर्निंग हो गया, तो थोड़ा ज़्यादा करेंगे। सीएनजी की बात करूँ तो भाई सीएनजी मेरा सुबह एक बार मैंने कुछ तो 595 भरा था, बाद में कल्याण में मैंने 700 का भर था, तो सीएनजी पूरी तरीके से वैसे ही पड़ा है। ठीक है गाइस, तो अभी निकलते घर से, अभी निकलते घर पे, और कल की वीडियो में आपको एक मिलेगा सरप्राइज, तो सरप्राइज के लिए कल का वीडियो जरूर देखना, काफ़ी मजा आएगा आप लोगों को भी, आप भी खुश रहेंगे और कल का दिन हमारा भी अच्छा चला जाएगा। ठीक है, तो कल का सरप्राइज देखना ना भूले, उसके लिए अपने चैनल को देखना है, वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, और ज़्यादा से ज़्यादा अपने जो ड्राइवर भैया उनके साथ में शेयर करना है। ठीक है गाइस, तो चलो यहाँ से निकलते घर पे, मिलते कल एक नए ब्लॉग में नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय 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 बाय।